दोस्तों साल 1997 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शपथ तो आप सभी ने देखी होगी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया और सभी के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ दी थी, क्योंकि फिल्म में जितने भी कलाकार नजर आए उन्होंने अपने किरदारों को शिद्दत से पर्दे पर पेश करने में कोई भी कंजूसी नहीं की। इसलिए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते आज भी फिल्म के कलाकारों को दिल से याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म में नजर आए कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि उनके प्यारे प्यारे बच्चों से रूबरू कराएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक, रंजीत। फिल्म में डॉक्टर सुब्रमणि का किरदार अभिनेता रंजीत प्ले करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने अपने नकारात्मक किरदार से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन अगर बात करें अभिनेता रंजीत के बारे में, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटे का नाम दिव्यांका बेदी और बेटे का नाम चिरंजीवी है, जिनमें इनकी बेटी प्रियंका प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर है और लाइमलाइट में बेहद ही कम देखी जाती है। पर उनकी कुछ तस्वीरों से साफ पता चलता है कि इनकी बेटी दिखने में बेहद खूबसूरत है। वहीं अगर बात करें इनके बेटे चिरंजीवी के बारे में, तो इनके बेटे फिलहाल कोई अभिनेता तो नहीं है, लेकिन फिल्मों में आने की तैयारी में जुटे हैं। जी हाँ, कुछ समय पहले ही अभिनेता रंजीत ने अपने बेटे चिरंजीवी के डेब्यू के बारे में बात की थी कि इनके बेटे भी जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। नंबर दो, गुलशन ग्रोवर। फिल्म में हर बार की तरह अभिनेता गुलशन ग्रोवर राजेश्वर के नकारात्मक किरदार में दिखाई दिए। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिसका नाम संजय ग्रोवर है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं काम करते हैं, इसके अलावा वो अकाउंट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। अब अपने पिता के कहने पर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। नंबर तीन, ईवा ग्रोवर। अभिनेत्री ईवा ग्रोवर फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस मीना के किरदार में नजर आई थी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और जबरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अगर बात करें अभिनेत्री ईवा ग्रोवर के बच्चों के बारे में, तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम स्टार ग्रोवर है, जो फिलहाल अभी काफी छोटी है और दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। वर्तमान में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है, जिन्हें अपनी मम्मी के साथ अक्सर देखा जाता है। नंबर चार, हरीश कुमार। अभिनेता हरीश कुमार वही हैं जिन्होंने फिल्म में राहुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के साथ काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन अगर बात करें अभिनेता हरीश कुमार के बच्चों के बारे में, तो इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम ज्ञात नहीं, पर गूगल पर इनके दो बच्चों के बारे में सिर्फ लिखा गया है। नंबर पाँच, सलीम घोष। फिल्म में मुख्य विलन लंकेश की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सलीम घोष को भला कोई कैसे भुला सकता है, जिन्होंने अपनी खूंखार खलनायकी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। लेकिन अगर बात करें अभिनेता सलीम के बच्चों के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिनका नाम आर्यमा घोष है, जो भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम ना करते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनकी कई तस्वीरें हमें इंटरनेट पर देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको शपथ फिल्म में किस कलाकार का अभिनय सबसे जबरदस्त लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।